अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी तबीयत है आप लोग की? ठीक हैं? सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सर्दियां हैं आपको पता है, तो भूख लग रही थी बहुत शदीद। नाश्ता करना का दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो आज हम अपना नाश्ते का व्लॉग बनाते हैं। और आप देख रहे हैं सन्नाटा लगा हुआ है, मगर मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो काफ़ी मैंने घर में सोचा कि नाश्ते के लिए कहाँ जाएं, तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह नाश्ते के लिए लेके जा रहा हूँ जो कराची की सबसे मशहूर हलवा पूरी है, और उस जैसी हलवा पूरी आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। तो अभी चलते हैं, बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ और वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में हल्की हल्की सी ठंड है और इसमें हलवा पूरी खाने का अपना ही मज़ा है। तो चलते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और आपको बताते हैं कराची की सबसे मशहूर हलवा पूरी। और ये हम आ गए हैं रास्ते पे और हम जा रहे हैं हलवा पूरी खाने। आपको बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में, क्योंकि वो हलवा पूरी भी बहुत मज़े की है और मैं समझता हूँ कि कराची में इससे अच्छी हलवा पूरी कहीं नहीं मिलती है। तो बस अभी थोड़ी देर में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, अभी हम 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर आपको गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता बताएंगे। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी, वैसे तो कराची में जो रहने वाले हैं अक्सर उन्होंने ये हलवा तकरीबन खाई होगी क्योंकि मशहूर बहुत है। और बस ये हम पहुँच गए हैं, तो अब आपसे हलवा पूरी के नाश्ते में मिलते हैं। आ गए हम मुल्ला अहमद हलवाई और ये तो बंद पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बंद है, तो अब हलवा पूरी, और हम आ गए हैं हलवा पूरी वाली जगह पे। ये है हलवा पूरी और आ गए हैं नाश्ता करने, और अभी आपसे नाश्ता आता है तो फिर बात करते हैं। ये आ गए हैं इनके गर्मा गर्म चने, ये है अचार। और आपको मैं एक बात बताऊं, हलवा पूरी खाने का जो मज़ा है ना, वो सुबह सुबह के टाइम पर है। ये आ गई हमारी पूरी, और अब कुछ लोगों को हलवा पूरी खाने का तरीका भी नहीं आता, वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये अचार ले और इस अचार को चनों के अंदर डालें। अब आप खाएंगे हलवा पूरी तो आपको मज़ा आएगा। देख रहे हैं गर्मा गर्म हलवा पूरी तैयार है, और अगर आप लोगों को हलवा पूरी खानी है और हलवा पूरी का मज़ा लेना है तो यहाँ मुल्ला अहमद हलवाई के पास नाजमाबाद आना पड़ेगा। और हलवा पूरी खाने का टाइम भी यही है सुबह सुबह का। चले मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। ये आ गया हमारा गरम गरम हलवा, हलवा पूरी हमने खा ली और अब हम हलवा खाएंगे। कितनी भी पूरी हो मगर इनकी पूरी आप 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते, 1 और खा लेंगे बस, ज़्यादा 3 खा लेंगे, क्योंकि बड़ी पूरी होती है बहुत मज़ेदार होती है, मगर हमारी गुंजाइश सिर्फ 2 की है, हमने 2 खाई है। अब हलवे का टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आज का हमारा नाश्ता था ये हलवा पूरी का, मुल्ला अहमद हलवाई की हलवा पूरी। आप लोग भी आएँ, टेस्ट करें और मज़ा करें, मगर याद रखें हलवा पूरी का टाइम है सुबह सुबह का। सुबह सुबह आए आपको और भी मज़ा आएगा हलवा पूरी खाने का। चलें अब हम थोड़ा हलवा चखें, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। देख रहे हैं
हैं, अब हमारा नाश्ता हुआ पूरा और अब हमारी तैयारी है वापसी घर की तरफ। मगर उससे पहले हम पियेंगे चाय, क्योंकि हलवा पूरी खाई है तो चाय तो मस्त है। बस हम आ गए हैं, अब हमारा वापसी का रास्ता है और इंशाल्लाह अब आपके से बात होगी चाय पे, ठीक है। और हम आ गए हैं अपने होटल काकड़ भाई के होटल पे चाय पीने। भाई एक कट दो VIP, ठीक है, और बस एक कट। ये हम नाश्ता करने आए, नाश्ता तो आपको पता है हमने हलवा पूरी का कर लिया, उसके बाद अब हम आए चाय पीने अपने होटल पे, काकड़ के होटल पे। ये हमारे भाई हैं काकड़, उनका होटल है। और एक मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी हलवा पूरी है मुल्ला अहमद की कराची में, इससे अच्छी हलवा पूरी किसी की नहीं है, बाकी हर किसी की अपने अपने टेस्ट की बात है। दूसरा मैंने आपको बताया कि हलवा पूरी खाने का सही तरीका क्या है। हलवा पूरी के अंदर एक तो सुबह सुबह का टाइम होता है, उसके अंदर चनों के अंदर अगर अचार डालेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। और तीसरी चीज़ कि कभी भी हलवे को पूरी के साथ नहीं खाएं, पहले हलवा पहले चने के साथ पूरी खाएं, उसके बाद जब आप अपने हाथ की दो उंगलियों से हलवे को खाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ये है हलवा पूरी खाने का सही तरीका। लोगों को खाने का पता नहीं होता और वो बस कहते हैं हाँ यार, मगर मैं आपको हर चीज़ के खाने का तरीका भी बताऊंगा। अभी हमारी चाय आ रही है, जब तक आज हफ्ते का दिन है, लोग सुबह सुबह, आज वैसे स्कूलों की तो छुट्टी होती है मगर लोग जो काम काज वाले वो सुबह सुबह अपने काम पे जा रहे हैं। और हम भूख लगी थी, हमने नाश्ता किया, हमने कहा चलो फारिग नींद आ नहीं रही है तो अपना वीलॉग बनाएं, नाश्ता करें। तो बस इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से नेक्स्ट वीलॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके लिए मज़े मज़े की वीडियो बनाते हैं, आपको शहर के बारे में बताते हैं कि भाई शहर में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं खाने पीने की, क्योंकि कई लोग हैं हमारी तरह जिनको खाने पीने का बहुत शौक़ है, तो वो हम आपको अच्छी और मेयारी चीज़ खिलाए बताते हैं, ताकि आप लोग आएँ, आपको मज़ा आए खाने का और आप इंजॉय भी करें। अब हम आपसे, ये हमारा दोस्त है वड़गाटू, इसका नाम है वड़गाटू। वड़गाटू ये तुम्हारे होटल की वीडियो हम बना रहे हैं, अब हम मिलेंगे दोबारा आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक हमारी चाय आ रही है हम चाय पीते हैं। आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय और अब हम चाय पियेंगे और चाय का लुत्फ लेंगे, क्योंकि हलवा पूरी के बाद चाय लाजमी है। आप चाय भी देख रहे हैं VIP। चलें अब अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स से हमें आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।